वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है क्रेजी फोर मूवीज में। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया 2 लाख सब्सक्राइबर पूरे करने के लिए। वैसे लोगों को 1 लाख के बाद 2 लाख कंप्लीट करने के लिए 1 से 1.5 महीने का टाइम लगता है, पर हमें पूरे 4.5 महीने लग गए। पर कोई बात नहीं, आपका सपोर्ट इसी तरह बना रहा तो अगला 1 लाख हम जरूर जल्दी पूरा करेंगे। तो दोस्तों, कुछ दिनों पहले हमने अपने कम्युनिटी टैब पर एक पोस्ट डाला था जिसमें हमने आपसे कहा था कि आप हमसे कुछ सवाल पूछे। तो वहां पे आप लोगों का बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स मिला था और वहां पे हमसे 300 से भी ज्यादा सवाल पूछे गए थे। तो दोस्तों, बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवाल थे जिन्हें मैं पिक करना चाहता था, पर एक वीडियो में उन सबको लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता और वीडियो भी काफी लंबा हो जाता। तो मैंने डिसाइड किया कि उन 300 सवालों को मैं 3 अलग अलग वीडियोस में डिवाइड कर दूंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के सवाल लिए जा सके। तो दोस्तों, ये उसका पहला पार्ट है और इस वीडियो में मैंने मोस्टली उन्हीं क्वेश्चंस को पिक किया है जिनमें लोगों ने हमसे हमारे बारे में कुछ पूछा था, ताकि हम भी आपको हमारे बारे में कुछ बता पाए। वैसे मैंने कोशिश की कि उन क्वेश्चंस को सिलेक्ट करूं जो सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं। अगर किसी का क्वेश्चन मिस हो गया हो तो प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मुश्किल था 309 सवालों में से इन सवालों को ढूंढना। तो आज का जो पहला सवाल है जो मुझसे काफी लोगों ने पूछा, जिनमें से द मास्टर गेमिंग, प्रयास कुमावत, शुभम पाटिल, सिद्धांत माथुर, राज भाई और दानिश चौधरी, इन सभी का एक ही सवाल था, भाई आपका नाम क्या है और आप कहां से हो। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम संदीप है और मैं गुजरात में रहता हूं। आज का अगला सवाल पूछा है तरुण भाई ने, जो पूछते हैं, सर सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए, जैसे कि आप कहां से हैं, क्या करते हैं स्टडीज में, साउथ मूवी देखना कब से स्टार्ट किया और आपका फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर कौन है। मेरा अनिरुद्ध रविचंद्रन है। तो यार, यहाँ पे तरुण भाई ने काफी सारे सवाल पूछ लिए हैं। तो पहली बात तो भाई, पहले मुझे सर मत बुलाया करो, मुझे अपना दोस्त ही समझा करो। अब तो मैंने अपना नाम भी बता दिया है, चाहे तो मुझे अपने नाम से भी पुकार सकते हो। वैसे मैं गुजरात में रहता हूँ और मैंने अभी अपनी स्टडीज कंप्लीट कर ली है। मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से MSc की हुई है। रही बात साउथ मूवीज देखने की, तो मैंने साउथ फिल्में देखना लगभग 2009-2010 में स्टार्ट किया था, जब साउथ फिल्मों का एक ही मतलब था, नागार्जुन सर। Hey, अलग थलग स्टाइल है मेरा, मेरी चाल पे बजेगी सीटियां, देखो अलग थलग स्टाइल है मेरा, कोई क्या मुकाबला करे मेरा। वैसे मेरी पहली साउथ फिल्म जो थी वो थी गोपी चंद की भाई द लायन, जो मैंने DVD पे देखी थी। आपकी पहली फिल्म कौन सी थी मुझे कमेंट में जरूर बताना। और रही बात फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर की, तो इस मामले में हमारी और आपकी चॉइस बिल्कुल सेम है। मेरा भी फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर अनिरुद्ध रविचंद्रन ही है। तो दोस्तों, अगर आप अनिरुद्ध सर को नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि अनिरुद्ध वही है जिन्होंने कोलावेरी की धुन दी थी और इन्होंने मारी और वेलम जैसे फिल्मों में सुपरहिट बैकग्राउंड म्यूजिक दे चुके हैं, जो आप सभी का फेवरेट है। आगे बढ़ते हैं, आज का अगला सवाल है पटेल TR और मिस्टर पंड्या से। ये दोनों ही शायद हमारे गुजरात से हैं, शायद पटेल भाई से मैं फेसबुक पर बात भी कर चुका हूं और इन दोनों का एक ही सवाल है, फेस रिवील कब करोगे। तो यार, वैसे फेस रिवील करने लायक तो है नहीं, पर फिर भी अगर फ्यूचर में मैं किसी चैनल के साथ कोलैब वगैरह करता हूं तो शायद वो मेरा पहला फेस रिवील हो सकता है। और इसी के साथ ऐड करते हुए पटेल TR ने पूछा है, सूरत आऊंगा तो मिलोगे, मैं वलसाड़ में रहता हूं और आपका ड्रीम क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं। तो भाई जरूर मिलेंगे, क्यों नहीं, पर फिलहाल मैं सूरत में नहीं रहता हूँ, सूरत में मैं पढ़ाई कर रहा था, अभी मैं अपने खुद के सिटी में आ चुका हूँ। कभी अगर प्लान बना तो जरूर मिलेंगे, जाएंगे कोई साउथ की फिल्म देखेंगे साथ में। वैसे भी सूरत में बहुत सारी हिंदी डब फिल्में रिलीज होती हैं। और रही बात ड्रीम की, तो वैसे तो मेरे कोई बड़े ख्वाब नहीं है, पर मैं एक अच्छा क्रिटिक बनना चाहता हूँ जो मूवीज को अपने नहीं ऑडियंस के नजरिए से देखे। धीरे धीरे सीख रहा हूँ, उम्मीद है कि जल्दी ही सीख जाऊंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। तो हैदर अली पूछते हैं, आप ओडिशा से हो। जी हाँ, मैं ओडिशा से हूँ पर गुजरात में रहता हूँ। तो आज का अगला सवाल पूछा है अजय भाई ने, जो पूछते हैं तुम्हारी एज क्या है, तुम क्या करते हो, स्टडीज या जॉब। तो भाई हमारे एज है 25 और हमने पढ़ाई कंप्लीट कर ली है, जॉब भी मिल चुकी है पर रिजल्ट आने के बाद ही ज्वाइनिंग होगी। आज का अगला सवाल पूछा है म्यूजिक लवर चैनल ने, जो पूछते हैं आपको एक वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है और कितनी मेहनत लगती है। तो देखो भाई, मेहनत तो जितनी करोगे उतनी कम पड़ती है। वैसे मेरी एडिटिंग इतनी शार्प नहीं है, फिर भी 2 मिनट वाले वीडियो के लिए 1 घंटा, रिव्यू के लिए 2 से 2.5 घंटा और फिल्मी टॉक के लिए 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। अगला सवाल पूछा है साहिल पुरोहित ने, जो पूछते हैं ब्रदर गोल्डमाइन वाले सॉन्ग्स क्यों हटा देते हैं, अगर हो सके तो बता देना। तो भाई, जो फिल्म गोल्डमाइन टेलीफिल्म्स थिएटर्स में रिलीज करती है उन प्रिंट्स में सॉन्ग्स होते हैं, पर उन सॉन्ग्स को सुनने से अच्छा है आप तेलुगु तमिल वर्जन सुन लो, आप ज्यादा एंजॉय करोगे। और ये बात गोल्डमाइन वाले भी जानते हैं, इसलिए उन्होंने अपने दूसरे चैनल पर कुछ फिल्मों के अनकट वर्जन अपलोड किए हुए हैं, वो भी तेलुगु और तमिल सॉन्ग्स के साथ। अगला सवाल है तुषार बरखाने का, जो पूछते हैं भाई डबिंग क्यों नहीं करते साउथ फिल्मों की, कभी ऑडिशन दिया है क्या।
तो भाई डबिंग का शौक तो है पर इतना टैलेंट नहीं है कि फिल्मों के लिए डब करूं, और वैसे भी कभी ऑडिशन के लिए ट्राई भी नहीं किया है। अगला सवाल है आयुष्मिता दास का, जो पूछती हैं क्या महानती हिंदी में डब होगी। तो क्योंकि ये बहुत ही बड़ी फिल्म है तो बहुत ही चांसेस है ये फिल्म डब होगी, और ये एक मल्टी स्टार कास्ट फिल्म है तो 100% डब होगी, थोड़ा टाइम लगेगा पर जरूर डब होगी। अगला सवाल है कमलेश राज साहू का, जो बोलते हैं हेलो डियर, सभी मूवीज के बारे में अच्छा एक्सप्लेन करते हो, नाइस, बट मेरा सवाल है कि मेरसल हिंदी में कब तक आएगी। तो भाई सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए, और देखो जो मेरसल है उसकी डबिंग चल रही है, और अगर आने वाले 20 से 25 दिनों में इसकी डबिंग पूरी हो जाती है तो ये मूवी एक्शन सुपर किंग यानी जून जुलाई में टीवी पर आएगी। शायद इस महीने के लास्ट तक इस मूवी से जुड़ी कोई अपडेट आ जाए, अगर आती है तो हम अपने चैनल पर आपको जरूर बताएंगे। तो आज का जो अगला सवाल है वो पूछा है शानू अंसारी, तरुण सिंह, आर्यन सिंह राजपूत, रेखा रानी और दीप्ति सत्या। दीप्ति सत्या, ये नाम थोड़ा सा सुना सुना सा लग रहा है। दीप्ति सत्या, वाह यार बहुत गजब सिलेक्शन है आपकी। तो इन सभी का एक ही सवाल है, आपको कितनी लैंग्वेज आती है और आपने तेलुगु कहाँ से सीखी। तो यार क्योंकि मैं ओडिशा से हूँ तो मुझे ओडिया आती है, बंगाली भी मैं समझ लेता हूँ, गुजरात में रहता हूँ तो गुजराती आती है, और तेलुगु मैंने मूवी देख के ही सीखा है। मैंने 2-2.5 साल पहले तेलुगु मूवीज को सबटाइटल्स के साथ देखना स्टार्ट किया था। जब भी फिल्म देखता था तो 5 से 10 वर्ड याद कर लेता था, ऐसे ही ऐसे सीखता गया, और अब मुझे 50 से 60% तेलुगु समझ आ जाती है। फिलहाल मैं सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, तमिल फिल्में मैं आज भी सबटाइटल्स के साथ ही देखता हूँ, अगर सबटाइटल नहीं मिलता है तो भी मैं बिना सबटाइटल के देख लेता हूँ, तमिल भी मुझे 20-30% आ गई है। और मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि आप भी कभी कभार तेलुगु तमिल फिल्में उनके ओरिजिनल वर्जन में देखा कीजिए, क्योंकि जो एक एक्टर होता है उसकी जो असली एक्टिंग होती है वो ओरिजिनल वर्जन में ही उसका मजा आता है, और वैसे भी बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिनका मजा डबिंग की वजह से खराब हो चुका है। अगला सवाल है ख्वाजा हुसैन का, जो पूछते हैं कि वाइड एंजल मीडिया ने डेयरिंग डकवाला मूवी पोस्ट करके डिलीट क्यों कर दी। तो दोस्त दरअसल बात यह है कि मूवी को डिलीट नहीं किया गया था, सिर्फ मूवी को प्राइवेट कर दिया गया था। जी सिनेमा नहीं चाहती होगी कि लोग यूट्यूब पे देखें अभी, क्योंकि शायद उससे उनकी टीआरपी पे असर पड़ सकता था, पर फिलहाल वो मूवी अनलिस्टेड है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप भी कहीं से उसकी लिंक से डायरेक्ट उस फिल्म को देख सकते हैं, बस वो फिल्म उनके चैनल पर अवेलेबल नहीं दिखाएगी। अगला सवाल है अंशिका जी का, जो पूछती है आपका नाम क्या है और आपकी फेवरेट एक्ट्रेस का नाम क्या है। तो मेरा नाम तो अब आपको पता चल ही चुका होगा, वैसे मेरी फेवरेट टॉलीवुड एक्ट्रेस है काजल अग्रवाल और मेरी फेवरेट कॉलीवुड एक्ट्रेस है नयनतारा। अगला सवाल है अंशु आर्य का, जो पूछते हैं विच इज योर फेवरेट टॉलीवुड एक्टर, बॉलीवुड एक्टर एंड क्रिकेटर। तो भाई टॉलीवुड एक्टर तो वैसे भी आप लोगों ने खुद ही डिसाइड कर लिया है, कमेंट्स में खुद ही आप डिसाइड करते रहते हैं कि आपका फेवरेट एक्टर ये है वो है। तो वैसे भी मैं आपको बता दूं कि जब से मैंने रिव्यू देना स्टार्ट किया है मैं भूल चुका हूं कि मेरा फेवरेट एक्टर कौन था, फिर भी जो भी था उसके लिए अभी आपको वेट करना पड़ेगा, वो अभी नहीं बताऊंगा मैं, फेस रिवील के टाइम बताएंगे, तब तक आप गेस करते रहिए। और रही बात मेरे फेवरेट बॉलीवुड एक्टर की, तो मेरा फेवरेट बॉलीवुड एक्टर है शाहरुख खान, जो कि आजकल अजीबोगरीब फिल्में सिलेक्ट कर रहे हैं, देखते हैं उनकी जीरो कैसी रहती है। और रही बात मेरे फेवरेट क्रिकेटर की, तो मेरा फेवरेट क्रिकेटर है धोनी भैया। आज का अगला सवाल है वो है एक रैपिड फायर, जिसे हमें दिया है साउथ मेनिया चैनल ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सा माइक यूज करते हो? बोया M1। कौन सा वीडियो एडिटर? फिल्मोरा। इतना अच्छा कैसे बोल लेते हो? आपके प्यार और सपोर्ट से। दिन में कितनी मूवीज देखते हो? पहले 2 से 3 देख लेता था, पर आजकल जितनी जरूरत होती है उतनी देखता हूँ। फेवरेट एक्टर कौन है? नहीं बताऊंगा। फेस रिवील कब करोगे? बता चुका हूँ। एम्बिशन क्या है जिंदगी का? एक अच्छा क्रिटिक बनूं। एज कितनी है? 25। कहाँ रहते हो? गुजरात। मानता अच्छी लगती है? हाँ। तो दोस्तों यहीं पे खत्म होता है हमारा Q&A का आज का हमारा ये वीडियो। अब आइए अब आती है बारी फैंस नेम शाउट आउट की। तो दोस्तों आपको पता ही है कि हमने अपने पिछले वीडियो में सुरेंद्र भाई का नाम शाउट आउट किया था, तो फिर काफी सारे हमारे दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि मैं उनका नाम भी शाउट आउट करूं उनके फेवरेट एक्टर्स के साथ। तो दोस्तों कमेंट में से बहुत मुश्किल था, 400 कमेंट थे उस वीडियो में, मैंने मुश्किल से 4 कमेंट्स ढूंढ पाया हूं। तो आमिर हुसैन और रमेश पटेल बहुत बड़े फैन हैं महेश बाबू के, सुरेश चौधरी और अल्ताफ भाई फैन हैं स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन के। दोस्तों अगर आपने भी कमेंट किया था और मुझसे मिस हो गया है तो मैं माफी चाहता हूं। आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं नहीं चाहता कि किसी का दिल दुखे, हम आपका नाम भी जरूर शाउट आउट करेंगे, ये मेरा वादा है। तो दोस्तों जाते जाते आप सभी उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो अपने कमेंट्स के द्वारा हमें सपोर्ट और प्यार देते रहते हैं। हमारा अगला Q&A वीडियो 10 से 15 दिन के अंदर आ जाएगा, उसमें हम बात करेंगे कि क्रेजी फोर मूवी का मोटो क्या है, उसका एक्चुअल में एम क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, उनका एम्बिशन क्या है, जो कि काफी लोगों ने हमसे हमारे कमेंट बॉक्स में पूछा है। तो अगर आपका भी मन है वो जानने का तो आप सेकेंड पार्ट को जरूर देखिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा ये Q&A का वीडियो पसंद आया होगा, अगर किसी का नाम मिस हो गया हो तो हम माफी चाहते हैं। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।